माशाल्लाह देखिए, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से रहेंगे। हम लोग भी आप लोग भी दुआ सल्लल्लाह अच्छे से हैं। तो आज रेसिपी में हम लोग क्या बना रहे हैं, केरला स्टाइल परोठा, मैदे का परोठा बना रही हूँ मैं। तो मैंने आटा ले ली हूँ 1/2 किलो, और ये एक अंडा है, इसके अंदर जाएगा 1 स्पून शक्कर जाएगी, थोड़ा सा नमक जाएगा, थोड़ा सा दूध जाएगा, ठंडा दूध है ये। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमको, अभी मैं पहले मिक्स कर लूँगी, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमको आटे को, जैसे आटा गूंथते ना उस तरीके से पूरा आटा गूंथ के आप लोगों को पराठे का बताती हूँ मैं। तो आटा मैंने अच्छी तरीके से गूंथ ली हूँ, और थोड़ा सा तेल डाल के इसको रख दी मैं 10-15 मिनट के लिए। आटा हमारा गूंथेगा अच्छे से, अभी हम बनाने की तैयारी करेंगे। अच्छी तरीके से एक बड़ी रोटी बेल लेंगे हम, आटे की खुश्की नहीं लेंगे, खाली इसे तेल से रोटी को अच्छी बड़ी करेंगे हम पूरी। अच्छी पतली से हमको बड़ी रोटी बेलना है। थोड़ा सा तेल लगाएंगे अंदर हम, तो इसको अच्छे तरीके से हम पराठे की तरह मोड़ेंगे। इस तरीके से मुड़ते मुड़ते हम लाएंगे इसको फोल्ड करते हुए। इसको हम पेड़े को बना के थोड़ा सा रख लेंगे। तो इस तरीके से बना के हम वही प्याले में वापस रखेंगे तेल में। अभी पूरे वैसे बना के आप लोगों को हम पराठे का बताएंगे। तो इस तरीके से मैंने पूरा बना लिया, अभी हम बेलेंगे। तो ज़्यादा करके हमको बेलना नहीं है, ज़्यादा अगर हाथ से फैलाते हैं तो हाथ से फैलाओ, या तो फिर हल्का सा बेलन हमको डालना है इसको, और पराठा भी बोलते हैं। हल्का सा बेलन एक कराऊंगी हल्के हाथ से, सिर्फ हल्का सा, वो ज़्यादा इसको पतला नहीं करते और मोटा मोटा ही रहते, इतना हमको चाहिए। और तवा हमने गर्म पे रखे, तवा हमारा गर्म हो चुका है, अभी हम इसमें फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी हम पलटी करेंगे। ये चिकन गस्सी से खाते हैं, ये परोठा बहुत बेहतरीन लगता है, आप लोग ज़रूर बनाना मेरे तरीके से। तो इस तरफ से तेल डाल के हम पलटी करके सेकेंगे। तो इधर भी थोड़ा सा तेल डालेंगे, अब इधर से सेकेंगे हम पलटी करेंगे। माशाल्लाह कितना बेहतरीन कलर आया देखो। माशाल्लाह दोनों तरफ से हमारा परोठा तैयार हो चुका है, देखिए आप इधर भी उधर भी कितना बेहतरीन कलर आया है। तो इसकी परत देखो आप लोग, माशाल्लाह कितनी अच्छी परत आई है पूरी, देखिए अंदर से भी अच्छी तरीके से सेके गया है। सेकने के टाइम हमारा पराठा अच्छी तरीके से फूल रहा था, देख लीजिए आप लोग भी। तो हल्का सा हम परोठे को ऐसा करेंगे, माशाल्लाह माशाल्लाह पराठा देख लीजिए आप लोग भी कितने लहर वाले बने हुए। तो आपको हम ऐसे पूरा बना के बताएंगे, माशाल्लाह कितने अच्छे हमारे खोपरे देखो। तो आज की रेसिपी हुई तैयार हमारी केरला स्टाइल में, ये केरला की चिकन लस्सी है, चिकन लस्सी बनाई मैंने इसके साथ, इसका कॉम्बिनेशन है खाने का। तो आइए आप लोग भी खाने के लिए। तो आप लोगों को अगर मेरी रेसिपी पसंद आएगी तो आप लोग मुझे लाइक और शेयर ज़्यादा करो, मेरे चैनल पे जो भी नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, ताकि हमारी वीडियो आप लोग को मिलती रहे। प्लीज़ सपोर्ट करो, आप लोग सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोग की, और दुआ में याद रखो, इंशाल्लाह हम लोग भी आप लोग को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।